हिंदुस्तान का एक और अजूबा पद्मराज भानसु. क्या एंट्री मारी है सीढ़ियों से उतरकर कुर्सी को नाक पर बैलेंस करके. ये क्या कर बेटा कुर्सी पर बैठ के बातें क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है? आपकी सिर्फ आज्ञा चाहिए मैं बैलेंसिंग करने के लिए. नहीं, मैं कुर्सी नहीं, नहीं, लेकिन हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे लग रहा है आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं. हाँ, तुम ये कब से कर रहे हो? मैं चौथी कक्षा था तब से कर रहा हूँ और हंसी मजाक में ये सब मैंने सीखा है. हमारे चौथी कक्षा में ड्रिल के लिए लाठियाँ दी जाती थी, उन लाठियों का बैलेंस मैं अपने पहले उंगलियों पर करता था. तो मुझे जब पता चला कि मेरे मर्जी के बगैर वो लाठी नीचे नहीं गिरती, तब मैंने तय किया कि उसमें और चीज़ें डालूं. तब मैंने ट्यूबलाइट, सीढ़ी, बोतल, ऐसे एक 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 चीज़ बढ़ाते गया और आज मैं उस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मैं किसी भी चीज़ का बैलेंस कर सकता हूँ. अभी मुझे पता है कि मैं आज 1 लाख ही नहीं ग्रैंड फिनाले का 10 लाख भी जीत कर जाऊंगा. आपने ये जो हमें बातें सुनाई है, हम उत्सुक हैं आपका एक्ट देखने के लिए. तो एंटरटेनमेंट शुरू किया जाए. पद्मराज जी, आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ, आज हमने बहुत बहुत एक्ट देखे हैं. तुम्हारा एक्ट हमने जिंदगी में नहीं देखा जो तुमने आज करके बताया है. आपको मैं बताता हूँ क्यों. वो जो गैस सिलेंडर आपने बैलेंस किया ना, वो इतना मुश्किल है क्योंकि उसका वेट होता है और उसको बैलेंस कितना टाइम लगा हुआ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप ही जानते हैं. और उसके बाद जो कांच का जो आपने किया है वो तो कमाल है. मुझे पता क्या लगा, वो आपने तुतारी बना रहे थे उसको, करेक्ट है कि नहीं? हाँ, करेक्ट सर, करेक्ट. पक्का? पक्का. वो बिल्कुल तुतारी लग रही थी और जो तुमने तुतारी बनाई, और इसके लिए मैं तुम्हें खड़ा होकर ताली बजाना चाहता हूँ. क्वीन खान, आपको कैसा लगा ये एक्ट? बातें तो हमने बहुत बड़ी बड़ी की थी एक्ट से पहले. हाँ सर. हाँ मैडम. फिर मैं जीत कर जाऊंगा. इतनी बड़ी बड़ी बातें की आपने. बातें तो की है और मुझे पक्का मालूम है आज का
जो एक्ट है वो मैंने जीता है और 1,00,000 का इनाम मैं ही जीतूंगा और ग्रैंड फिनाले भी मैं ही जीतूंगा। वाओ, ये सब आपको मालूम है? हाँ मैडम। तो फिर हम लोग क्यों बोल रहे हैं, उनको मालूम है सब। नहीं नहीं फारा जी प्लीज गुस्सा मत हो, करा दिया आपने, कुछ बोलिए फारा जी को। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अरे मैं सच्ची बोल रही हूँ, आपने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मैम, मुझे लगा आपको गुस्सा आया। नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आया, आपने जो किया है वो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल एक्ट था। आई थिंक अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जाएंगे बैलेंस कॉम्पिटिशन में तो आपका बहुत चांसेस है कि आप वो भी जीत जाएं, लेकिन हमने आगे एक्ट देखे नहीं है। मैं आपको प्रॉमिस तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चांसेस आपके ब्राइट है। इस वक्त हम आपको देना चाहते हैं 11,121 रुपए। कांग्रेचुलेशन।